आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, देना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके मन में होगा ये सवाल कि हम इस एंट्रेंस को कैसे क्वालिफाई करें। हालांकि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है वो बड़ा ही सेपरेट होता है। इसका मतलब ये कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में सीन ये होता है कि एक एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बी ऑनर्स हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो, ज्योग्राफी का हो, लेकिन जामिया में हर पेपर को सेपरेट लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा मैटर करता है। हम आते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है। मैं यही कहूँगा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको खासकर बी ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में कम्प्लीट आइडिया लग पाए कि एक्चुअल में जामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री किस टाइप से है, रन कर रहा है, क्या क्या वहाँ पर है, गाइडलाइन के बारे में, क्या क्या आपको बुक पढ़ना है, वो सारा, मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। खैर, आते हैं हम सबसे पहले सिलेबस पे, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, आपको कंप्लीट आइडिया, सिलेबस से ही बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। तो अभी अगर आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ, 100 एमसीक्यू विल बी आस्क इन एंट्रेंस एग्जाम, यानी आपका जो पेपर होगा सिंपल एक बी ऑनर्स हिस्ट्री का एग्जाम होगा, मतलब कंबाइन नहीं होगा, सिंपल एक बी ऑनर्स हिस्ट्री का पेपर होगा। आप फॉर्म फिल करेंगे, उसका एक चार्ज पे करना पड़ेगा। जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपका सवाल होगा कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, तो इंडियन हिस्ट्री से 50% का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से 10% का, करंट अफेयर से 10% क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10% एंड जनरल साइंस से भी आपका 10% एंड सोशल साइंस से आपका 10% अदर देन हिस्ट्री को छोड़कर। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये आप तैयार कहाँ से करेंगे। आपको तो ये तो दिख गया, लेकिन इसका तैयार कहाँ से करेंगे। एक बात मैं पहले ही आपको एक आइडिया दे दूँ कि ये जो सिलेबस जो आजकल जामिया फॉलो कर रहा है वो कंप्लीट एसएससी में जो भी आजकल एग्ज़ाम हो रहे उसके बेस पे, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, हालांकि मैं भी 2020 में बहुत हद तक क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा था, बट एक दो शायद आई थिंक मेरे ख्याल से एक या दो मार्क्स की वजह से हमारा नहीं हो पाता, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर आपको शेयर करूँगा ताकि आप डेफिनेटली क्लियर कर पाए। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते उनके कुछ वीकनेसेस होते हैं या कुछ गलती कर रहे होते, इस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है एक दो मार्क्स से भी। कुछ बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको 0.25 मार्क्स से भी के वजह से भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये है। अब हम आते हैं इस पे। खैर, बात करते हैं कि आप तैयार कहाँ से करेंगे। एक तो सबसे पहले आज के टाइम में लूसेंट का एक बुक चल रहा है जो A4 साइज का होता है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए, मतलब खैर परचेज कर सके। खैर, अब बात रही कि उसमें जो लूसेंट में जो बुक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें चारों पार्ट है, मतलब अनसेंट भी है, मेडिवल भी है और मॉडर्न भी है। तो आपको उस लूसेंट की जो बुक है आपको अनसेंट, मेडिवल, मॉडर्न एकदम से ढंग से पढ़ के जाना है। ढंग से पढ़कर जाएंगे तो आपका 100 out of 50 के आसपास तो जरूर स्कोर कर पाएंगे। उसमें मिसलेनियस का पार्ट है, उससे भी पूछ लेता है, क्योंकि जैसे और भी बुक होंगे, अगर लगता है आपके पास जीके का और भी कोई बुक है तो वो स्टडी करिए। क्योंकि क्या है ना, मैं कह रहा हूँ जैसे अगर कोई एसएससी का कैंडिडेट है तो एसएससी में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आजकल नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है एसएससी वाले कैंडिडेट को, तो वो आपका नोट्स भी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, अगर किसी का नोट्स मिल जाए हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का या मेडिवल हिस्ट्री का या अनसेंट हिस्ट्री का, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो है मिनिमम बेसिक, मतलब मिनिमम आप एटलीस्ट लूसेंट को ज़रूर ढंग से पढ़ें। दूसरा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, हालांकि बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप NCERT 6 से लेकर के 10 तक पढ़ सके तो पढ़ डालिए। डेफिनेटली आपको 6 से 10 तक के बुक पढ़ने पर एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन या ज़्यादा ही हो सकता है जो आपको इस एंट्रेंस में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एकदम से। 6 का जो NCERT वो आपको हेल्प करने वाला रहेगा, 7 का भी NCERT है वो भी हेल्प करने वाला रहेगा, इवन 8 का भी, और 9, 10 तो है ही वैसे। तो इसलिए मैं कहूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कुछ YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जो लूसेंट में जो मेंशन उसको भी पढ़ सकते हैं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी आपका पकड़ होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है ना वो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी अच्छे खासे पूछ देते हैं। अच्छे खासे ये कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेड 10 मार्क्स का, वो 10 मार्क्स तो पूछेंगे। तो मैं आपको फाइनल सजेस्ट करना चाहूँगा, एक पहला NCERT 6 से लेकर 10 तक का बुक एटलीस्ट, अगर ज़्यादा हो सके तो 12 तक भी पढ़ लीजिए, मिनिमम बता रहे हैं। बट जो बंदा 11, 12 आर्ट्स से किया हुआ है तो उसके तो 6 से लेकर 10 तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो तो 11, 12 को ही अच्छे से ढंग से रिवाइज कर ले। दूसरा लूसेंट का बुक हो गया। तीसरा ये कि लूसेंट बुक में ही आपको MCQ मिसलेनियस है और लास्ट में GS का कुछ पार्ट है, जनरल साइंस का, डिस्कवरी वगैरह का, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा, वही काफ़ी होगा। उसको ही अच्छे से पढ़िए, उसी को अच्छे से रिमेंबर करिए, वही आपको यहाँ हेल्प कर जाएगा। करेंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, एक थ्रूली रहिए, क्योंकि जामिया की अच्छी बात यह कि करंट अफेयर ज़्यादा डीप से नहीं पूछते। लाइक वो पूछ देते कि भाई करंट में मिनिस्ट्री में कौन है, कौन मिनिस्टर, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन गृह मंत्री है, इस तरीके से वो पूछ देते हैं।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, बाकी कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, कुछ यूनेस्को हेरिटेज वगैरह हो गए, हरप्पा सिविलाइजेशन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा वो आपको बुक बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने आपको कंप्लीट एक आइडिया दे दिया, बुक लिस्ट भी आपको बता दिया कि बुक फॉलो करिए। हाँ आप एक बार, मैं लास्ट में मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं कि इस पर ही देखिए रिविजन, एक बात और मैं बता दूँ कि आपको रिविजन जितना ज़्यादा ज़्यादा करना है, क्योंकि रिविजन करेंगे ना तो एक कंप्लीट माइंड माइंड में जो आपको छप जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये था, एंशिएंट में ये था, मेडिवल में ये था, मॉडर्न में ये था, ठीक। तो ये मैंने आपको सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, 100 MCQ रहेंगे, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सोर्सेज के बारे में आपको डिस्कस कर दिया। अब हम आगे का इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए ताकि आप जामिया में जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग पाए कि हाँ भाई असल में जामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे घुमा दें, देखिए ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ, नोटिस करेगा यहाँ पे, तो ये बी ऑनर्स हिस्ट्री दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले आपको सिलेबस में B03 नाम का वर्ड भी दिखाया था। असल में जामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री को वो सिंपली B03 के नाम से जानता है और आप जो है उसको बी ऑनर्स हिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली बैचलर जो कोर्स होते हैं वो 3 ईयर के होते हैं, दैट्स वाई जो है वो 6 सेमेस्टर के हैं, एंड वहाँ पे जो सीट्स है वो देख सकते हैं 60 सीट्स है जो कि प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है, बट अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मतलब ये कि और ज़्यादा भी सीट्स वहाँ पे बच्चे का एडमिशन हो जाता है, 2, 4, 10 अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। बट अगर फ़ी देखें तो ऑफिशियली तो जामी के अकॉर्डिंग 60 सीट्स ही है, बट फी अगर देखें तो 7,200 ईयरली आपको, 1 साल का 7,200 आपको पे करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, अब हम आते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बट उसके पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का एक स्टेटस है, उनका रिजर्वेशन है, खासकर माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है। अब हम बात करते हैं वहाँ पे रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, ढंग से समझिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। 30% सीट जो है वो मुस्लिम में, जो मुस्लिम है जनरल यानी कि OBC, सॉरी जनरल में शेख सैयद पठान मलिक वगैरह हैं जो मुस्लिम में, मुस्लिम कैटेगरी में, उनको यहाँ पे 30% का रिजर्वेशन है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, एंड अगेन 10% मुस्लिम में जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप जनरल है या मुस्लिम है, या मुस्लिम OBC है या ST है। तो यहाँ पे रिमाइंड करते हैं कि जामिया के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम कैंडिडेट है, खासकर जनरल वाले यानी कि पठान, सैयद, मलिक, ये सब है, ये मुस्लिम चूज़ करेंगे तभी उनको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज अगर जनरल चूज़ किए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली ये 50% सुन के जो जनरल वाले कैंडिडेट वो जरूर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही जाती है, बट हकीकत ये है कि रिमेनिंग जो 50% जो सीट्स है वो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ये नहीं कि OBC वाले को जनरल में, जनरल वाले को OBC में, ऐसा कुछ नहीं। जिनका सीट, क्योंकि अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा आइडिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो रिजल्ट आते हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरल का जो सीट्स है उसके लिए अलग सेपरेट लिस्ट होता है, उसी में ही OBC का भी होता है, बट सबका अलग अलग मेंशन होता है कि हाँ भाई जनरल से इतने बच्चे हैं, OBC से इतने हैं। अब इसके अलावा और भी वहाँ पे रिजर्वेशन है, जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरी जिनके पास है उनके, अभी इसके अलावा जामिया के इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, हर कोर्सेज में कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी है और कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी है, इसके अलावा फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पर रिजर्वेशन है, और जो जो प्लेयर वगैरह में अच्छे हैं उनका भी यहाँ पे है। पर यह मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हर का फिक्स है, ये नहीं कि जनरल वालों को काट कर इसमें डाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, सबका सीट फिक्स, इसीलिए जो है ना वहाँ पे सीट 60 जरूर है, लेकिन इन सब के वजह से ना सीट्स और बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं जरूर आगे, NCC कैडेट उनको भी यहाँ पे 5% का है, लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि आपके पास सर्टिफिकेट ए बी या फिर बी और सी दोनों होना चाहिए, या तो ए और सी हो या बी या सी हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। NSS वॉलेंटियर को भी वहाँ पे फ़ायदा मिलता है, वहाँ पे उनका रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन को हो गया। इसके अलावा इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपकी बात कर लें, इसके अलावा अगर आप देखें तो बी ऑनर्स हिस्ट्री में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपली आपका 10+2 होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स से हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, वहाँ पे एटलीस्ट आपके 50% होना चाहिए पहले चीज़। अब हम बात कर ले आगे एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ फरवरी के आसपास आ जाएंगे, फरवरी से मार्च के बीच में, और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो मई से जून तो नहीं बल्कि अप्रैल से मई के बीच में एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा आगे का इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हैं जामिया इस्लामी को लेकर अपडेटेड तो मैं ज़रूर कहूँगा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।